ओम ज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानंजनशलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरे कृष्ण। ये जो वीडियोस आप लोग देखने वाले हैं, ये इसमें आप सुनेंगे कैसे बच्चों की परवरिश करनी चाहिए, उन्हें कैसे गाइड करना चाहिए। लेकिन इसमें अक्सर आप सुनेंगे कि उसमें गुरुकुल के टीचर्स, गुरुकुल, गुरुकुल के छात्र, होमवर्क और इस तरह की बातें हो रही हैं। तो ये प्राइमरली उन्हीं के लिए शुरू में बनाई गई थी, गौरांग गुरुकुल के लिए। लेकिन जब कई सारे अभिभावकों ने ये रिक्वेस्ट करी कि इसको जनरल पब्लिक के लिए रिलीज़ करिए ताकि हम लोग भी बेनिफिट कर पाएँ, तो हम इसको रिलीज़ कर रहे हैं। जहाँ जहाँ पर इसमें गुरुकुल के टीचर्स वर्ड यूज़ किया जा रहा है, टीचर्स के लिए बोला जा रहा है, तो आप समझ लीजिए ये हमारे लिए, यानी कि पेरेंट्स के लिए बोला जा रहा है, या जो भी किसी भी पोजिशन में बच्चों को गाइड करता है उसके लिए बोला जा रहा है। और जहाँ पर भी होमवर्क इत्यादि चीज़ों का डिस्कशन किया जा रहा है, आप समझ लीजिए ये बच्चों का होमवर्क है जो उन्हें मिलता है स्कूल से, या जो हमें घर में उन्हें देना चाहिए होमवर्क जो घर में बच्चा करता है, चाहे वो घर के हाउस होल्ड काम हो या पढ़ाई से रिलेटेड चीज़ें हों। तो इस तरीके से इसके हर पहलू को यदि आप अपने हिसाब से मोल्ड कर लेंगे तो ये हम सभी के लिए बहुत उपयोगी होगा, क्योंकि ये शिला प्रभुपाद और उनके बहुत सारे अच्छे दृढ़ शिष्यों जैसे भुरीजन प्रभु, उनके शिक्षाओं के आधारित ये इन वीडियोज़ को बनाया गया है, जो सभी के लिए बहुत लाभप्रद रहेगा। हरे कृष्ण। वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप लोग जानते हैं कि हमने गौरांग गुरुकुल चलाया, उसका पर्पस बहुत ही दिव्य है। पर्पस शिला प्रभुपाद की प्रसन्नता, अपने बच्चों को इस समाज से बचाना, भगवान की प्रसन्नता, अपने को भक्तिमय कार्यों में एंगेज रखना, ये सब है। तो पर्पस बहुत ही डिवाइन है, इसलिए हमारी चेतना बहुत डिवाइन होनी चाहिए। वी शुड ऑलवेज रिमेम्बर कि हम लोगों को कृष्ण, हम इन बच्चों को कृष्ण दे रहे हैं। इवन इफ हम मैथमेटिक्स अगर पढ़ा रहे हैं, वी शुड ऑलवेज रिमेम्बर दैट वी आर गिविंग कृष्णा थ्रू मैथमेटिक्स ऑल्सो। सो योर एग्जाम्पल सम वे और अदर शुड ब्रिंग कृष्णा इन, है ना। कृष्ण को हमें कहीं ना कहीं लेके आ जाना है, हम कोई भी चीज क्यों ना पढ़ा रहे हो। दिस इज वन। सो आई नो कि यू आर एक्सपर्ट इन योर फील्ड्स, अपने सब्जेक्ट में आपकी मास्टरी है, बट आई थिंक इट इज स्टिल वेरी मच इम्पॉर्टेंट दैट हम इसको रिपीटेडली डिस्कस करते रहें कि हम यहाँ पर क्यों हैं, व्हाट इज द पर्पस, सो दैट उसको हम फुलफिल कर सकें। इट इज़ नॉट अ पर्पस ऑफ द स्कूल कि हम प्रॉफिट अर्न करें, अदरवाइज बहुत सारे और तरीके हैं प्रॉफिट अर्न करने के, इससे बेटर हैं, क्योंकि इसमें तो काफ़ी दिमाग लगाना पड़ता है। ना ही इसका पर्पस कोई मेटीरियल एजुकेशन देना, अदरवाइज बहुत सारे स्कूल बाहर भी हैं। तो उस पर्पस को याद रखें, और पर्पस को याद रखने के अलावा उस पर्पस को अचीव करने का रास्ता, उस पर बने रहना बड़ा इंपॉर्टेंट है। कई बार हम रास्ते से इधर और इधर भटक जाते हैं, तो हम ये सीरीज शुरू कर रहे हैं। आई थिंक यू नॉट कॉल इट ट्रेनिंग, नॉट एग्जैक्टली अ ट्रेनिंग, बट यू कैन से रिवाइवल ऑफ द कॉन्शियसनेस, जिसमें हम लोग दोबारा से रास्ते में आने का प्रयास करेंगे, और आपके थ्रू मैं भी आने का प्रयास करूंगा जब मैं आपको बता रहा हूँ। तो हम लोग सीखेंगे कि कैसे इसको करना है, बच्चों को पढ़ाना है तो क्या चेतना होनी चाहिए, हमारी चेतना क्या होनी चाहिए, कैसे इसको हमें डिलीवर करना है, इस प्रोसेस को हम जानने का प्रयास करेंगे। आफ्टर एवरी सेशन आपके पास एक MCQ होगा जो आपको उसी वीक में खत्म करना होगा। तो आई विल ट्राई कि हर वीक में एक सेशन हो, मैक्सिमम आधे घंटे का, जिसको आप सुन लें कभी ड्यूरिंग द वीक, एंड बाय द एंड ऑफ द वीक आप उसका एक MCQ फिल करके दे दें, उसमें हम पास हो जाएं। सो टू इंश्योर दैट वी अंडरस्टैंड इट करेक्टली, दैट इज नॉट नो अदर पर्पस, ठीक है। सो वी विल बिगिन इट, एंड वी विल बिगिन विद द teaching by example. So first we'll learn what is teaching by example, and then we'll see how to achieve it. Teaching by example, अपने example से set करना, show करना और उससे teach करना। तो उसके बाद में प्रभुपाद क्या कहते हैं, उसके और क्या examples हैं, पहले हम इसको लेके चलते हैं, ठीक है। Okay. So सबसे पहले कुछ प्रभुपाद के बोले हुए, लिखे हुए letters के बारे में बात करते हैं, जहाँ उन्होंने टीचिंग बाय एग्जाम्पल के बारे में कुछ बताया है। सो लेटर टू सत्स्वरूप दास, फरवरी 28, 1972। प्रभुपाद कहते हैं द बेस्ट वे टू ट्रेन द चिल्ड्रन इज बाय लेटिंग देम एसोसिएट विद देयर एल्डर्स इन द रेगुलर शेड्यूल ऑफ डिवोशनल प्रैक्टिसेस। प्रभुपाद कहते थे कि बच्चों को सिखाने का बेस्ट तरीका है कि वो बड़े सीनियर वैष्णव के साथ एसोसिएट करें, उनके साथ रहें और एसोसिएशन से सीख जाएं। प्रभुपाद हमेशा बोलते थे कि बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है उनको मैटीरियल एजुकेशन में बहुत ज़्यादा फोर्स करने की, इट इज़ बेटर कि उनको डिवोशनल कैरेक्टर
ये सब चीज सिखाया जाए। कैसे? जब वो अपने सीनियर वैष्णव के साथ जो एक्सपीरियंस्ड हैं, आज वेल बिहेव्ड हैं, उनके साथ जब वो रहेंगे तो अपने आप सीख जाएंगे। दिस वॉज इन 1972 प्रभुपाद सेड, एंड अगेन लेटर टू सत्स्वरूप इन अगेन 1972 अनदर लेटर ही सेड सिंपली बाय एसोसिएटिंग विद द एल्डरली मेंबर्स चिल्ड्रन विल लर्न एवरीथिंग, वो सब कुछ सीख जाएंगे केवल उनके साथ रहने से, द पावर ऑफ एसोसिएशन। द क्वालिटी ऑफ एल्डरली मेंबर्स मस्ट ऑल्सो बी एग्जैक्टली टू द स्टैंडर्ड ऑफ एक्सीलेंट वैष्णवा, ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। खाली एसोसिएट करके काम नहीं चलेगा, किसके साथ एसोसिएट करना है, बच्चों को उनके साथ एसोसिएट करना चाहिए जो एग्जॉल्टेड बिहेवियर, वैष्णव बिहेवियर है, एंड वी आर एसोसिएटिंग नाउ विद द चिल्ड्रन एज टीचर्स ऑफ दिस गौरांग गुरुकुला। सो वी मस्ट एग्जिबिट एग्जॉल्टेड वैष्णव बिहेवियर, अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हम बच्चों को कभी ट्रेन नहीं कर पाएंगे। अदरवाइज द चिल्ड्रन लर्न बाई एग्जाम्पल एंड दे विल बी वेरी इजिली मिसगाइडेड इफ देयर सीनियर गॉड ब्रदर्स एंड गॉड सिस्टर्स आर देमसेल्व्स नेग्लेक्टफुल। अगर हम अपनी बिहेवियर में नेग्लेक्टफुल होंगे, अपने आचरण में हम लोग गलत होंगे, अपनी साधना में बच्चे हमें देखेंगे हम नेग्लेक्टफुल हैं, अपने हम अगर प्रजल्पा करते हुए बच्चों को देखेंगे, अक्सर यूजलेस टॉक करते हुए बच्चों को देखेंगे, so they will learn it, we will see, we'll read more about it, we'll study more about it in the training, this training. So these are the two letters, and then Prabhupada says from Chaitanya Charitamrita Adi Lila 9.51, ei mala kara khaya ei prema phala niravadhi mata rahe vivasha vivhala. The great gardener, mahan mali, kon Chaitanya Mahaprabhu personally eats this fruit, इस फल को खुद ही खाते हैं। कौन से फल को? भक्ति के फल को खुद ही पाते हैं, इस प्रेम के फल को पाते हैं, एंड एज ए रिजल्ट ही कॉन्स्टेंटली रिमेन्स मैड एज इफ हेल्पलेस एंड बिविल्डर्ड, और इसके कारण वो हमेशा पागलों की तरह इधर उधर घूमते रहते हैं, मदमस्त रहते हैं। हाँ, तो यानी कि चैतन्य महाप्रभु ने पहले इस फल को खुद खाया, बल्कि खुद खाने के लिए राधा के भाव में स्वयं आए, क्योंकि कृष्ण होके वो अपने ही भक्ति का रस कैसे पा सकते थे, इसलिए वो राधा रानी के भाव में स्वयं आए, इस फल को खाया, खा के दिखाया और फिर हमें बताया तुम्हें ऐसा करना चाहिए। सो दिस इज टीचिंग बाय एग्जांपल। वी नो फ्रॉम द लाइफ ऑफ चैतन्य महाप्रभु हाउ ही वाज अ ग्रेट सन्यासी, ही नेवर मेट विद वुमन, वो मोहन के साथ कभी एसोसिएट नहीं करते थे बींग अ सन्यासी। हमने सुना कि राजा प्रताप रुद्र से मिलने के लिए वो बिल्कुल एग्री नहीं थे कि ही इज ए वेल्दी पर्सन, एंड वेल्दी पर्सन जनरली पैशनेट होते हैं, उससे कंटामिनेशन हो सकती है हमारी। So, उनके आचरण, his आचरण was perfect. He took sannyas just to show us that we have to get detached from this material world. So, by his example, he showed to us how to teach the disciples, the devotees. So, Parpat, in the Parpat, Srila Prabhupada says, it is the mission of Srila Chaitanya Mahaprabhu to act himself and teach the people, to act himself and teach with him. He says, apani achari bhakti karila prachar. Adi Lila 4.41. Apani achari bhakti. One must act himself and then teach. Apani achari. Achari means your acharan, your activities. Achar is activities. So by your activity, when you do your activities, others will learn by watching your activities, not by your words. They learn by watching you. This is a function of a real teacher. Unless one is able to understand the philosophy that he speaks, he will not be effective. Therefore, one should not only understand the philosophy of Chaitanya, but Chaitanya cult, but also implement it practically in one's life. Keval gyan ka hona avashyak nahi hai. Aapko bahut gyan hai. Aap uske achhe teacher nahi ban payenge. Lekin yadi aap us gyan ko apne jeevan mein acharan mein leke aate hain, तब आप एक बहुत अच्छे टीचर बन गए। आप कहेंगे मैं बता तो वही रहा हूँ ना, जो एक टीचर बता रहा है वही दूसरा टीचर भी बता रहा है, यू नो, बिकॉज दोनों को ज्ञान है, बट स्टिल यू विल सी द डिफरेंस। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो बहुत प्रचार करते हैं संसार में, बट उनके जो डिवोटीज होते हैं बहुत एग्जॉल्टेड नहीं हो पाते। कई बार हम देखते हैं दो लोग हैं, दोनों सेम ही टीचिंग पढ़ा रहे हैं, सेम ही किताब से पढ़ा रहे हैं, लेकिन एक व्यक्ति अपने आचरण से दिखा रहा है, इसलिए शिष्य ज्यादा एग्जॉल्टेड, ज्यादा प्योर बन पा रहे हैं। तो यही प्रभुपाद कह रहे हैं कि देयरफॉर बीइंग अ टीचर ऑफ गौरांग गुरुकुल वी मस्ट लर्न कृष्ण भक्ति डिवोशन, वी बिकम अ डिवोटेड एक्सॉल्टेड डिवोटी। जब हम एक्सॉल्टेड डिवोटी बनेंगे तो डिवोटी के सारे गुण हमारे अंदर आ जाएंगे, एंड अ परफेक्ट पर्सन इज अ परफेक्ट टीचर आल्सो।
there is no need to externally go and do a lot of trainings in teaching, how to teach, how to do this. If you make your heart pure, you become a perfect being, perfect person. And a perfect person is always a perfect teacher. Because you don't have to teach by your words. You have to teach by your acharan. People learn. People are very smart. So people don't see what you are saying. People see what you are doing. So children learn when no formal instructional attempts are being made. जब बच्चे तब भी सीख जाते हैं जब आप उन्हें सिखाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, आप कुछ काम कर रहे हैं एंड बच्चे फिर भी आपसे सीख रहे हैं। ये तो होता है जब आप सिखा रहे हैं, जब आप नहीं भी सिखा रहे हैं, आपकी बॉडी लैंग्वेज से, आपके हाव भाव से बच्चे कंटिन्यूसली कुछ लर्न कर रहे हैं। इसलिए इवन इफ आप क्लास में बैठे हैं और आइडल बैठे हैं और आपने देखा कि समय है तो आपने जपा करने लग गए, जपा के बीच बीच में आप कुछ बच्चों को इंस्ट्रक्शन भी देने लगे, फिर जपा के बीच बीच में आपने मोबाइल भी देख लिया, आप कहेंगे मैं बच्चों को पढ़ा रही हूँ, मैंने बच्चों को होमवर्क दे रखा है, बट आपके बच्चे रिमेंबर दिस इज अ स्पिरिचुअल स्कूल, द पर्पस इज टू मेक देम डिवोटीज, एक्सॉल्टेड डिवोटीज, दे आर लर्निंग बाय योर बिहेवियर। कि आप माला करते हुए अटेंटिव नहीं है, आपने सवेरे अपनी माला नहीं करी है, आप माला करते हुए बीच बीच में बोल भी रहे हैं, माला करते हुए मोबाइल भी देख रहे हैं, जस्ट एन एग्जाम्पल। उसी तरह से पढ़ाते पढ़ाते आप कैजुअल हो गए, आपने किसी को हाँ जी कैसे हो, हाँ जी माता जी आप कैसी हैं, ठीक हैं। सो दिस इज ऑल कैजुअल बी पीपल सी, बच्चे अपने आप बिना बताए आप कहोगे मैंने उनको होमवर्क दे रखा या व्हाटएवर, बट दे लर्न इट दैट इट्स अ कैजुअल बिहेवियर। अल्टीमेटली यू आर इन द क्लास बट यू आर टॉकिंग अ कैजुअल टॉक व्हिच यू शुड हैव डन आउटसाइड द क्लास। सो इस तरह से कैजुअलिटी आती है, ध्यान रखिए। अभी इसके बारे में हम आपको बहुत सारे एग्जाम्पल बताएंगे। ओके So all learners, not just young children, they क्या करते हैं वो लोग, only need to see the behavior demonstrated by their teacher to spark the natural tendency to imitate a superior. In the Vedic system, इसीलिए Vedic system में एक teacher को क्या बोला जाता था, आचार्य बोला जाता था, जो कि अपने आचरण से अपनी activity से सिखाता था। पहले वो खुद करता था उस आचरण को, फिर demonstrate करता था। And remember, हमें बच्चों के, हमें नहीं चाहिए ऐसे बच्चे जिनके top class numbers आते हैं, हमें ऐसे बच्चे चाहिए जो टॉप क्लास करेक्टर रखते हैं। दैट इज द पर्पस ऑफ ओपनिंग गौरांग गुरुकुला। ओके, सो दीज वर सम कन्वर्सेशंस जो मैंने शिला प्रभुपाद के कुछ पर्पट से और कहीं से ली। नाउ वी विल डिस्कस सम एग्जांपल्स कि हाउ टू टीचिंग बाय एग्जांपल, जो हमारा इस टॉपिक का मेन टॉपिक है इस वक्त। सो टीचिंग बाय एग्जांपल, हम पहला एग्जांपल, हम सब लोगों ने अपनी नेटिव लैंग्वेज फॉर एग्जांपल हिंदी और इंग्लिश सीखी, इंग्लिश सीखी या हिंदी सीखी, सॉरी, क्योंकि हिंदी इज आवर नेटिव लैंग्वेज। इंग्लिश तो फिर भी हमने बहुत पिटाई खाई, बहुत ज्यादा अपना मेहनत करनी पड़ी, बट हिंदी के लिए हमने देखा, हम स्कूल में जब तक गए थे तब तक तो हम बोले ना गए थे हिंदी ऑलरेडी। हाँ, हमने काखा का तो बाद में सीखा होगा, उसके पहले तो हम हिंदी बोलने ही लगे थे बिना किसी फॉर्मल एजुकेशन के। दिस इज वॉट कॉल्ड लर्निंग बाई अवेयरनेस बाई एग्जाम्पल। हम आसपास के सराउंडिंग से अपने आप सीख जाते हैं। द बेस्ट एग्जांपल, अब चाइल्ड जिसके पास अभी कुछ बुद्धि नहीं है, उसको कोई वर्णमाला वगैरह व्यंजन या जो भी मात्राएं कुछ नहीं पता है, स्टिल इज एबल टू स्पीक द लैंग्वेज विच इज अदरवाइज सो डिफिकल्ट। एक इंग्लिश मैन से पूछो, उसको बोलो हिंदी, कह रहा हिंदी वेरी डिफिकल्ट, इट इज वेरी डिफिकल्ट देन इंग्लिश ऑल्सो, बट हमारा छोटा सा बच्चा सीख जाता है। सिमिलरली हमारे यहाँ पे इतना बड़ा बड़ा आदमी इतनी मेहनत करते हैं तो इंग्लिश नहीं सीखता, सीख पाता, वहां का छोटा सा बच्चा इंग्लिश बोल रहा होता है। दिस इज व्हाट, दिस इज कॉल्ड लर्निंग बाय एग्जांपल। जो बच्चा देखता है सराउंडिंग में उससे ज्यादा सीखता है। ओके, विद दिस इन माइंड वी कैन कंसिडर दैट एनी बिहेवियर अ टीचर एग्जिबिट्स कॉन्स्टिट्यूट्स टीचिंग। जो भी बिहेवियर हम दिखाते हैं वो एक्चुअली में टीचिंग है। सो टीचिंग इज नॉट योर what the curriculum you are teaching. So you are having one book, one workbook, or whatever course material you have. That is not only the material. The material we have is your character. Remember that. Therefore, you are in Gurukul because you are a devotee. You are chanting the mantra. You are hearing the classes. You are under guidance. And therefore, you are in Gurukul. Otherwise, we would have got a lot of teachers, a lot of experts in English, a lot of experts in Hindi. They are available in the market. But why you are here? Because you are special. You are devotees of Krishna. And you must exhibit that behavior. You know, a devotee is very forgiving, is very tolerant. And a lot of qualities of devotee has. So,
आई एम सेइंग दैट एनी बिहेवियर यू आर एग्जिबिटिंग इज एक्चुअली टीचिंग. टीचिंग डज नॉट ओनली टेक प्लेस वाइल डेलिबरेटिंग इंस्ट्रक्टिंग द स्टूडेंट्स. टीचिंग बाय एग्जाम्पल गोज ऑन ऑल द टाइम. यू आर टीचिंग व्हेन यू आर वॉकिंग, व्हेन यू आर ओपनिंग द सी. सम पीपल जॉइन लेट इन द क्लास. क्लास स्टार्ट्स एट 9:30, सपोज यू जॉइन 9:32. सो दिस इज ऑल्सो टीचिंग. Whereas you know you are saying you, when you in the class you will teach about discipline. You say you must be in discipline, you must do your homework on time, you will say a lot of things, but people will not take it seriously. I'm telling you, because you are yourself not disciplined. And I'm telling you, this will happen. This is called learning by example. You are not telling them to learn this, but still they will learn this. Okay. Teaching my example goes on all the time. This places great pressure on teachers to live up to their ideals. So it is a great pressure on the teacher, especially in schools like Gauranga Gurukula, where character is more important. We are in a lot of pressure to demonstrate, to exhibit a well Vaishnava behavior under guidance of somebody. So we must behave perfectly all the time. So I just told you example of joining the class, how you greet the students, how you say Hare Krishna, how are you. So somebody if ask you, you can say that by the mercy of Krishna and Guru I am well, just by these words. Or you can say I am fine, how are you. So this is the difference of a teacher in Gauranga Gurukula and material school. You must demonstrate always and always best behavior of a Vaishnava. If student observe discrepancies between what is demanded and what actually is allowed, they will behave accordingly to what is allowed. You know that. I will give you an example. Suppose एक student जो है teacher को यहाँ ये बताया गया कि एक चीज आपको बोली जा रही है, demand की जा रही है, और एक चीज जो actually में उन्हें दिख रहा है. So even if you are saying this is very important, you must do it. For example, you say ये आपका मैं homework दे रहा हूँ, आप इस होमवर्क को कल तक जरूर करना. और कल का दिन आता है, कल आप अगला चैप्टर पढ़ाते हैं और उस होमवर्क के बारे में पूछते ही नहीं है, ना उसको चेक करते हैं, है ना. थोड़े दिनों बाद जब आप बोलेंगे ना ये कल तक करके लाना, तो बच्चे कल तक करेंगे नहीं, क्योंकि उन्हें पता है कि ये पूछा ही नहीं जाएगा, इसके लिए कोई फॉलो अप ही नहीं होगा. और इसी कारण है कि इतने सारे होमवर्क पेंडिंग हो जाते हैं. पहली बात तो हमारे पास क्यू में पेंडिंग हो जाते हैं, फिर वी आर नॉट फॉलोइंग अप. ऑल्दो एक्चुअली टीचर्स शुड बी फॉलोइंग अप फॉर पेंडिंग होमवर्क, बट sometimes they have to take other helps also. But I'm telling you, if you are asking them to deliver it and then you are not questioning why it is not delivered, so people will think even if you are demanding, aap bol bhi rahe, people will take it casually. Therefore you must be very careful what you are saying. You must ensure that people take it seriously. So this is what, if you want to make them obedient, if you want to make them follow, then you must ensure that whatever you are speaking, you are following up on that, you are very firm on that, you are not deviating from your words. Aap apne words se nahi badal rahe hain, aap usse force kar rahe hain. Remember, we are not telling you to become aggressive, we are telling it to become persuasive. Become persuasive matlab kya hai, follow up kijiye, bar bar puchiye aapne kyun nahi kiya, aapne kyun nahi kiya, fir uske maybe we have to escalate it. So this is called, this is another example. You are showing that I am very firm a person, I am very responsible, you better become responsible. So follow-ups are very important. Generally we lack in that, and then people or children take us granted. Okay, so humne dekha ki hamari body language, hamara way of talking, hamare gestures, our students are observing all these things and they are learning from it, and they are inferring what you actually mean to say. Sometimes what you are saying is very different from what you exactly want. For example, एक माँ अपने बेटे को कई बार ये बोल सकती है, बेटा होमवर्क कर ले, नहीं तो फिर देख लियो. सो बच्चा सुना बच्चे ने, इट्स अ वार्निंग, बट चाइल्ड विल नॉट टेक इट एज अ वार्निंग बिकॉज देर वॉज वेरी मच वेरी सॉफ्ट वॉइस, इट वॉज नॉट वेरी फर्म, बहुत फर्मनेस नहीं थी इसमें कि आपको करना ही पड़ेगा, नहीं तो आपको आज का प्रसाद नहीं मिलेगा, समथिंग लाइक दैट. इट वॉज नॉट लाइक दैट, इट वॉज तू आज होमवर्क कर लियो, नहीं तो फिर देख लियो. हाँ, तो इसमें तो बल्कि प्यार दिख रहा है, तो बच्चा इसको क्या लेगा, बच्चा इसको लेगा ठीक है,
मम्मी बड़ी कैजुअली बोल रही है, इट्स नॉट दैट इंपॉर्टेंट फॉर मदर, सो दिस इज, आप बोलना कुछ और चाहते थे लेकिन एक्चुअली मैं आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपके वर्ड्स, द वे यू आर टॉकिंग विल इन, आई मीन स्टूडेंट विल टेक इट समथिंग डिफरेंटली, हाँ, एंड वही आपकी इंटेंशन समझी जाएगी, यही आपकी इंटेंशन भी थी, इसलिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हाट वी आर टॉकिंग, हाउ वी आर टॉकिंग. कई बार हम बच्चों से बहुत हंसते हंसते कैजुअली बोल देते हैं, आज भी होमवर्क रह गया, आज भी होमवर्क रह गया, करके मत आइयो, तो करके मत आइयो. सो दीज दीज स्मॉल स्मॉल थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. ऑल्दो यू शुड बी लविंग विद योर स्टूडेंट्स, बट यू शुड नॉट बी कैजुअल विद योर स्टूडेंट्स. सी दीज आर डिफरेंट थिंग्स. Being very harsh is a different thing. Being rude is a different thing. Being firm is a different thing. And being casual is a different thing. आपको समझना पड़ेगा इनमें difference क्या है. Casual यही हो गया जब आप useless आप कुछ हंस देते हैं जबकि आपके हंसने की जरूरत नहीं थी. You know, it's a very serious matter. Training is a very serious matter. You know, it's a very serious matter. Although कभी कभी आप training के बीच में light movements भी होते हैं, but ऐसा trainer जो पूरी class में हंसता ही रहे, joke ही मारता रहे, हाँ, तो उसकी कोई नॉलेज को लेगा नहीं. सो एट टाइम्स आप हंस सकते हैं, लाइट मूवमेंट बना सकते हैं, बट मोस्ट ऑफ द टाइम यू शुड बी वेरी सीरियस एंड एट द सेम टाइम यू शुड नॉट बी वेरी हार्श. टेक एन एग्जांपल, जैसे कि आपने बोर्ड पे लिखने के लिए किसी बच्चे को बुलाया, उसमें आपने उससे कुछ लिखवाया कि कुछ लिखिए, या मॉडर्न वर्ल्ड में जैसा हम करते हैं, आपने ऑनलाइन टीचिंग में उसको बोला कि ओके यू शेयर योर स्क्रीन एंड राइट समथिंग ऑन द व्हाइट बोर्ड, और उसने कुछ लिखा, हाँ, तो एक टीचर ने क्या किया, उसने बोला नहीं इस लाइन में आपने कुछ गलती करी है, देखो कहीं मिस्टेक करी है, स्पेलिंग मिस्टेक करी है. बच्चा थोड़ी देर टाइम लगाया, उसको पॉइंट आउट हो गया, या मे बी फाइनली आपने ही पॉइंट आउट किया. दूसरा एग्जांपल देखते हैं, इसी ये एक और टीचर आता है, वो सेम एग्जांपल, वो बच्चों को बोलता है कि कुछ लिखिए, और बच्चा कुछ लिख देता है. हाँ, अब वो क्या करता है, जब बच्चा लिख चुका था, तुमने तो गलती कर दी, तुम तो गलती ही करोगे, वो दूसरे बच्चे को बुलाता है, बोलता है तुम बताओ इसकी क्या गलती है. दूसरा बोलता है हाँ हाँ मैं बताऊंगा, इसने ये गलत किया है. दिस वे हमने क्या किया, उस बच्चे को ये साबित कर दिया कि यू बेटर परफॉर्म, अदरवाइज यू आर फिनिश्ड. आपको परफॉर्म करना ही पड़ेगा, अदरवाइज आपकी बेइज्जती कर दी जाएगी सबके सामने. तो एक तो आपने ये किया, और दूसरे बच्चे को आपने फॉल्ट फाइंड करने के लिए प्रमोट भी कर दिया, वो उसको भी बड़ा मजा आया, मैंने इसकी गलती निकाल दी. सो दिस इज द काइंड ऑफ, ना, we have to teach by example. We have to be very sensitive. If this example is showing we are not sensitive at all. We don't care about the feeling of other. So either we are very rude and very harsh, which is the case in this case, जिसने टीचर ने किसी दूसरे स्टूडेंट से बुला के बोला, मे बी सब लोग हंसे भी, और एक पहला टीचर था who was very sensitive. उसने बोला देखो आपने कुछ गलती करी है, देखो सोचो, दिमाग लगाओ. He was very responsible teacher. उसने गलती भी बताई. तीसरा टीचर एक और हो सकता है, जो क्योंकि उसने क्या किया, उसने बच्चे ने कुछ गलती करी, उसने उसने देखा अरे यार तेरे से तो गलतियां ही होती, एक तो यार बोला और हंस दिया, और जाके अच्छा मैं ही ठीक कर देता हूँ, उसने जाके खुद ही ठीक कर दिया. दिस इज द थर्ड एग्जांपल. सो द बेस्ट एग्जांपल इज यू हैव टू बी फर्म, यू हैव टू टेल द मिस्टेक, बट इन अ वेरी पोलाइट मैनर, इन अ वे विच इज वेरी कंस्ट्रक्टिव, जिसमें कि बच्चा उस फीडबैक को ले. सो माई पॉइंट इज योर बॉडी लैंग्वेज, योर जेस्चर्स, जो भी आप बोलते हैं, बोलने का तरीका, वो ना तो बहुत कैजुअल होना चाहिए, ना ही हार्श होना चाहिए. दैट इज अ पॉइंट. हार्श होगा तो उसको लेगा नहीं. देखिए हम बहुत देर से ये डिस्कस कर रहे हैं कि द स्टूडेंट्स टेक बाय एग्जांपल, स्टूडेंट लर्न बाय एग्जांपल, दे लर्न बाय आवर बॉडी लैंग्वेज, दे इन्फर. इन्फर का मतलब होता है मीनिंग निकालेंगे. जैसे मैंने बोला कि माँ बोल रही थी कि काम कर ले, नहीं तो, लेकिन बहुत प्यार से बोल रही, तो इन्फर करेंगे, यानी कि वो इससे ये निष्कर्ष निकालेंगे कि माँ सीरियस नहीं है. दिस इज कॉल्ड इन्फ्रेंशियल लर्निंग. Another part of learning by example. So, बच्चे इस बात पे ज्यादा ध्यान कभी नहीं देंगे कि आप क्या बोल रहे हो, वो इस बात पे ध्यान देंगे कि आप कैसे बोल रहे हो. So, either इसमें इसमें दो चीजें हो सकती हैं, या तो वो उसको इन्फ्लुएंस होके ले लेंगे, नहीं तो वो आपका मजाक उड़ाएंगे. जब आपका कैरेक्टर बहुत ही एग्जॉल्टेड नहीं है, स्टेबल नहीं है, यू आर नॉट स्टेबल, कभी आप एकदम से किसी पे चिल्लाने लगते हो, दूसरी पल किसी पर बहुत जोर से हंसने लगते हो, तो यू आर नॉट वेरी स्टेबल पर्सन, तब वो क्या करेंगे, वो आपकी बातों को इन्फर करेंगे, ये तो ऐसी केयरलेस है, मतलब दे विल नॉट बी इन्फ्लुएंस्ड बाय यू एंड दे विल नॉट लर्न फ्रॉम यू. दैट इज अनदर प्रॉब्लम. बिकॉज ऑफ योर वे यू कैरी योर पर्सनैलिटी, उसकी वजह से आप जो भी बोलेंगे उसको लाइटली लिया जाए. सो स्टूडेंट्स टेक द वर्ड्स ऑफ द टीचर
whom they admire the most, whom they admire the most. Otherwise, वो उसके words को कभी seriously नहीं लेंगे, right? So even if you are doing, I mean, what I mean to say कि body language से, inferential learning से, हमारे gesture से भी students हमें तभी सही समझेंगे जब वो हमें admire करते हैं. नहीं तो हमारे उन्हीं gestures का मजाक उड़ाएंगे. Remember हमारे school days में हम कई teachers का मजाक उड़ाते थे, हाँ, कि वो डांटता रहता तो उसके डांटने की एक्टिंग उतारा करते थे बाद में. So although he's very strict, but he's over strict. तो उसकी मजाक उड़ाते हैं, सब लोग हंसते हैं उसके ऊपर, यहाँ कुछ ना कुछ उसका नाम रख देते हैं. मुझे अभी भी याद है, हम लोग भी करते थे. तो they will not do, because they don't have respect from the heart. इसलिए इस तरह की घटनाएं होंगी. इससे नुकसान क्या होगा? यू आर ट्राइंग योर हार्ट टू टीच समथिंग, बट स्टूडेंट उसको लेंगे नहीं, रिजल्ट कभी अच्छा नहीं आएगा. बच्चों के अंदर डिजायर्ड चेंजेस नहीं आएंगे उनके करेक्टर में, पर्सनैलिटी में. एंड वाई? बिकॉज हमारे करेक्टर में, हमारी पर्सनैलिटी में डिजायर्ड चेंजेस या रिजल्ट नहीं है. They are not behaving like a Vaishnava. His Vaishnava is very sensitive always. He knows. जैसे कई बार मेरे से लोग पूछते हैं किसी को टोकना चाहिए कि नहीं टोकना चाहिए प्रभु जी गलती करे तो. तो मैं कई बार क्लासेस में भी पकड़ देता हूँ, कई बार उनको बोलता हूँ व्हाट इज योर इंटेंट, क्यों टोकना चाहते हो? ताकि वो सुधरे प्रभु जी. सो कैसे कोई सुधरेगा? अगर कोई तभी सुधरेगा जब इंस्पायर होगा. अदरवाइज किसी के टोकने से कोई सुधरेगा? टोकता है हमें तो कोई बुरा ही लगता है, मुझे टोक दिया. इफ योर इंटेंट इज रियली कि सामने वाले में बदलाव आए, तो आपके हमारे हमारे कहने के तरीके में कितना चेंज होना चाहिए. इट शुड बी इंस्पिरेशनल. बट किसी को इंस्पिरेशन देने के लिए पहले मुझे इंस्पिरेशन लेनी पड़ेगी. हाँ, आई हैव टू चेंज माई सेल्फ. दैट वॉज द होल आइडिया आई वॉज ट्राइंग टू टेल यू कि वी मस्ट वी ऑलवेज बी वेरी मच श्योर दैट व्हाटएवर वी आर स्पीकिंग, स्टूडेंट्स आर नॉट ओनली going by our words, but students are going by our behavior, character, speech, the way we are speaking, how sensitive we are, all those things matter. What is our mood looking like? Am I looking like a very firm up? Dekhiye, very soon we are going to organize a house program, and every one of you have to do this. Anybody has any problem? Please come to me. I am there to serve. One is this. हाँ, ये स्कूल ने कुछ ऑर्गेनाइज कर लिया है, हाउस प्रोग्राम होने वाला है. होता रहता है यहाँ तो कुछ ना कुछ. इसके लिए प्रिपेयर कर लेना, ये चार चीजें करनी है, देख लेना, है ना. वन इज वेरी कैजुअल एटीट्यूड, वेरी कैजुअल. पीपल विल नॉट टेक इट वेरी सीरियस. अनदर इज ये हाउस प्रोग्राम है, चार दिन बाद कल परफॉर्मेंस सबकी आ जानी चाहिए. जिसकी नहीं आएगी उसके फादर मदर को मैं फोन करने वाली हूँ, और बहुत बुरा होने वाला है, इसके मार्क्स कटेंगे तुम्हारे, ये होने वाला है. अब दिस इज अनदर एक्सट्रीम. सो ऑलवेज बी फर्म, टेल द मैसेज वेरी क्लियरली दैट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ऑलवेज एक्सटेंड द सपोर्ट दैट आई एम देयर टू हेल्प यू. एंड आई मीन टू से बी वेरी ऑलवेज वॉच योर ओन करेक्टर, योर ओन लैंग्वेज, योर ओन स्पीच, योर ओन वे ऑफ, I mean, you are standing somewhere, you are teaching somebody, कोई teacher है जो ऐसे पढ़ा रहा है, ऐसे बैठा हुआ है. हाँ जी करिए, अब ये वाला question करिए, ये निकालिए, अब क्या. The body language itself is so boring. People are going to sleep in the class itself. So always be very much careful about your body language, speech and everything. You have to teach by example. Okay, I will tell you one conversation between Srila Prabhupada and another devotee, which his name is Dwarkanath. Okay, try to understand this. So Srila Prabhupada says, tell them chant Hare Krishna. You should chant, they will chant. You should behave yourself very strictly on discipline, and they will follow. Dwarkanath says, who's a disciple, it seems that we must become humble. We must become servant to them, in the sense that we do everything that we can to facilitate their service. Then when they see we are surrendering to our service, they will surrender to us. तो Srila Prabhupada ने एक अपने भक्त को बोला कि आप हरे कृष्णा उनको चैंट करने के लिए बोलिए, और आप खुद भी चैंट कीजिए. आप चैंट करेंगे तो वो भी चैंट करेंगे, और इस तरह से आप बहुत ही जब डिसिप्लिन में बिहेव करेंगे तो वो भी डिसिप्लिन में बिहेव करेंगे. द्वारकानाथ शिष्य ने बोला कि ऐसा लगता है प्रभुपाद हमें बड़ा हम्बल होना पड़ेगा, although it's based on the टीचिंग गिवन बाय प्रभुपाद होंगे. उन्होंने बोला कि हमें उनका सर्वेंट बन जाना चाहिए. हाँ,
और हमें उनको फैसिलिटेट, उनकी हेल्प करनी चाहिए। हाँ, और वो जब देखेंगे हम अपनी सर्विसेज में इतने सरेंडर्ड हैं तो वो हमको सरेंडर कर देंगे। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, श्रील प्रभुपाद सेड, वेरी गुड आइडिया, एग्जाम्पल इज द बेस्ट, इज बेटर देन परसेप्ट। हाँ, सो योर टीचिंग, योर फिलोसफी, वट एवर यू आर स्पीकिंग इज नॉट दैट मच, आई मीन इफ यू शो बाय एग्जाम्पल, यू आर टेलिंग देम टू बिहेव बेटर, बिहेव बेटर, बिहेव, आप बिहेव कीजिए, डिसिप्लिन में रहिए, ये कहिए, एंड वी आर ऑल्सो नॉट बिहेविंग प्रॉपरली इन अ सेंसिटिव वे, इन अ रिस्पॉन्सिबल वे, इन अ डिसिप्लिंड वे, एज आई वाज टेलिंग दैट लॉट ऑफ थिंग्स दैट यू आर नॉट गिविंग योर यूटी मार्क्स ऑन टाइम सपोज, एंड स्टूडेंट्स आर कमिंग टू नो बिकॉज मेरे टीचर ने अभी तक भरा ही नहीं है, तो मेरे को सबको रिजल्ट मिल गए, मेरे को रिजल्ट नहीं मिले। यू आर नॉट कमिंग ऑन टाइम इन द क्लासेस, यू आर नॉट चेकिंग योर होमवर्क ऑन टाइम, यू आर नॉट गिविंग द फीडबैक ऑन टाइम, देन ऑल दिस एक्चुअली पीपल, देन स्टूडेंट्स इसको समझ जाएंगे कि माय टीचर इज नॉट डिसिप्लिन, व्हाई आई शुड बिकम डिसिप्लिन। सो प्रभुपाद सेड वेरी गुड आइडिया, एग्जाम्पल इज बेटर देन परसेप्ट, यू शुड ऑल बी पर्सनल एग्जाम्पल्स एंड दे विल डू दैट। इफ यू डू नॉट प्रैक्टिस, इफ यू सिंपली फोर्स देम, अगर आप जबरदस्ती उनसे कराते रहेंगे, ये नहीं होने वाला, नहीं चलने वाला। जगदीश एक और भक्त बोलते हैं, द टीचर्स आर सेटिंग अ गुड एग्जाम्पल इन दैट वे प्रभुपाद, then the children will follow, you rest assured. This was a conversation with teachers in Dallas, July 1975. आपको मालूम होगा कि वहाँ पर हमने एक स्कूल खोला था बहुत साल पहले, तो ये तब बताया, तो श्रील प्रभुपाद ने भी तब बताया, you have to teach by your example, you have to be very exalted personality, and that's why you are here in the Gurukul. Otherwise, as I said, I could have got a lot of teachers on paid basis who are better than in material education, but I know you are. You are such a devotee, I cannot find in three worlds. You are chanting Hare Krishna mantra. So you also have to demonstrate exalted behavior. And while dealing with your students, be very firm, don't be rude, don't be casual in your body language, in your speech and everything. And you have to show that you are surrendered to your guru, you are surrendered to your service, the teaching profession, because you are very sincere for your homework, for your classes, for your preparation of the classes. इंपॉर्टेंट, यू कम टू द क्लास एंड यू आर नॉट प्रिपेयर्ड, आज क्या करना है तुम्हें याद है बेटा क्या करना है, मैडम वो वाला करना है, हाँ 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 वो वाला करना है, दिस व्हाट मैसेज दिस इज गिविंग, दिस मैसेज गिविंग, यू डोंट योर सेल्फ आर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर द क्लास, वाई दे शुड बॉदर अबाउट इट देन। सो योर प्रिपेयर्डनेस फॉर द क्लास, योर एक्स्ट्रा वर्क यू आर डूइंग, यू आर डूइंग सम रिसर्च, यू आर प्रेजेंटिंग देम विद गुड एग्जाम्पल्स, यू आर ब्रिंगिंग एग्जाम्पल्स फ्रॉम हियर एंड देयर, एंड That way they are thinking, उनको पता चल रहा है कि you are very serious in your teaching profession, your service and your service to the guru, and then they will become sincere, surrender to you. So first we have to surrender and then they will surrender. So this was my message to you in this training session. I think we will go further and now we will learn few ways of teaching by examples. What are the ways? One is, for example, demonstration, मॉडलिंग, कृष्णा कॉन्शियस थिंकिंग एंड ऑल दोस थिंग्स, वी विल डिस्कस अबाउट इट कि कैसे इसको करना है। बट आई थिंक अभी आज हमने ये समझा कि व्हाट इज लर्निंग बाय एग्जांपल। सो वी विल बी गिविंग सम क्वेश्चन आंसर टू ऑल ऑफ यू, आई थिंक जस्ट टू एंश्योर दैट वी अंडरस्टैंड इन अ प्रॉपर वे। ओके, एंड दिस वे आई एम बिकमिंग वेरी सीरियस, दैट आई एम सीरियस अबाउट दिस ट्रेनिंग, एंड आई विल डू फॉलो अप वेदर यू हैव डन द क्वेश्चंस ऑर नॉट, बट आई एम टेलिंग यू इन अ हंबल वे, प्लीज डू इट। हरे कृष्ण, शिल प्रभुपाद की जय।